हिंदी व्याकरण कक्षा 3। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम सब आपकी पाठ्य पुस्तक व्याकरण मंथन के पाठ 12 समरूपी भिन्नार्थक शब्द के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं समरूपी का अर्थ क्या होता है। समरूपी भिन्नार्थक, यह दो शब्दों के योग से बना है। सम का अर्थ होता है समान, भिन्न का अर्थ होता है अलग। अर्थात कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आकार तथा ध्वनि की दृष्टि से मिलते जुलते होते हैं, किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। वह दिखने में समान लगते हैं, बोलने में भी समान प्रतीत होते हैं, परंतु उनका अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है। ऐसे ही शब्दों को हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। चलिए इन्हें हम कुछ उदाहरण की सहायता से जानते हैं। सोना, यह भी सोना लिखा है। दोनों दिखने में और सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु दोनों का ही अर्थ भिन्न है। जैसे पहले चित्र में आप देख सकते हैं, सोना का अर्थ होता है सो जाना या नींद लेना। दूसरे चित्र में आपको सोना, जो कि एक धातु है, इसका प्रयोग हम आभूषण बनाने के लिए करते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। भाग और भाग, दोनों ही दिखने में और सुनने में समान प्रतीत हो रहे हैं, परंतु आप देख सकते हैं पहले दृश्य में भाग का मतलब होता है दौड़ना या भागना, और दूसरे दृश्य में आप देख सकते हैं भाग का अर्थ होता है किसी प्रतियोगिता में भाग लेना। तीसरा उदाहरण देखते हैं, ग्रह और ग्रह। यह दोनों सुनने में एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं, परंतु दोनों का ही अर्थ भिन्न है। ग्रह का अर्थ होता है घर, और ग्रह एक होता है जो हमारे प्रकृति की देन है। ग्रह, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है। आगे देखते हैं, बाल जो कि आपके शरीर का ही एक हिस्सा होते हैं, और दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं बाल, जो कि एक बच्चे को कहा जाता है। आइए बच्चों, आगे हम कुछ और उदाहरणों को भी देखते हैं। उतर, उतर का अर्थ होता है ऊंचे स्थान से नीचे आना, और एक होता है उत्तर। उत्तर के भी दो अर्थ है, एक उत्तर होता है एक दिशा तथा दूसरा अर्थ है जवाब देना। बाग, बाग का अर्थ होता है बगीचा या उपवन। दूसरा है बाघ, यह एक पशु है। हंस, हंस का अर्थ होता है हंसना या खुश होना, और दूसरा होता है हंस, यह एक पक्षी होता है। दिन, दिन का अर्थ होता है दिवस, और दीन, दीन का अर्थ होता है गरीब। और का अर्थ होता है तरफ, किसी तरफ जाना, किसी और जाना, और दूसरा और होता है तथा, अन्य या दूसरा। मैं आशा करती हूँ आप सभी को समरूपी भिन्नार्थक शब्द
इस पाठ की सहायता से पूर्णता ज्ञात हो पाए हैं। धन्यवाद।